नमस्कार, ठीक बात सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। ये जो बिजली के आप खंभे देख रहे हैं, जी हां, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, जो बिजली के खंभे, ये पीपली रोड से आप सीधी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। हादसों को नोता देते, जी हां, अभी जाऊंगा, हादसों को नोता देते ये बिजली के खंभे, जी हां, ये आप देख सकते हैं मोटी वायर, जो बिजली की वायर ऊपर से जो आ रही है इन खंभों के ऊपर, ये खंभे जो हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से गिर चुके हैं और ये जो अटके हुए हैं ये सिर्फ गटर के, बिल्कुल जी हाँ, गटर के साथ में ये अटके हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीवरेज जो बना हुआ है इसकी स्पोर्ट मिली हुई है सिर्फ बिजली के खंभों को। आप देख सकते हैं सीधे ये बिजली के खंभे, जी 1, 2, 3, 4 बिजली के खंभे हादसों को नोता देता, जी हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 11,000 वोल्ट, जी हाँ, हमारे शहर से निकलती 11,000 वोल्ट KV, जी आप देख सकते हैं बिजली विभाग की तरफ से अभी तक इसको खंभों को ठीक नहीं किया गया। पहले ही लोग सड़क की परेशानी से परेशान हैं, जी हाँ, सड़क की परेशानी पीपली रोड पर, जी हाँ, सड़क की परेशानी से, सड़क ना बनने की परेशानी से परेशान है यहाँ के कुरुक्षेत्र के लोग, और ऊपर से ये हादसों को नोता देता बिजली का खंभा। ये बिजली के खंभे एक नहीं, 4 बिजली के खंभे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सिर्फ सीवरेज की स्पोर्ट ने यहाँ पर रोका हुआ है। सामने आप देख सकते हैं लोगों के यहाँ पर मकान है, कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है तो आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, जब सड़क चौड़ी की गई थी तब ये खंभे लगे थे, लेटेस्ट अभी ये खंभे लगे हैं। तो बिजली विभाग की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही, आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारी जो हैं कितनी लापरवाही से देखिए कार्य करते हैं, जबकि खंभे कभी के गिरे हुए हैं, इनको ठीक भी नहीं करते। इस लाइन को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये लाइन बिछी हुई है बिजली के खंभों की। ये सामने जो है ये कॉलोनी आप देख सकते हैं पाल प्लाजा, जी हाँ, पाल प्लाजा, बिल्कुल पाल प्लाजा के बिल्कुल सामने जो आप देख सकते हैं पिपली रोड पर ये बिजली के खंभे हादसों को नोता देता। बिजली विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है, सीवरेज की वजह से यहाँ पर बिजली खंभे जो हैं वो रुके हुए हैं। कोई भी हादसा, यहाँ उस तरफ सड़क है, उस तरफ किसी के भी ऊपर यहाँ पर गिर सकते हैं। हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। विधायक जी देख लीजिए ये जो बिजली के खंभे हैं, जी हाँ, बिजली के खंभों को भी आप एक बार अधिकारी से बोलेंगे तो एक बार अधिकारी आपके कहने पर मान जाएंगे। जी हाँ, पहले ही अधिकारियों की वजह से आपकी छवि खराब हो रही है सड़क को लेकर, निकासी को लेकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें, बिजली विभाग की अफसरशाही ऐसी हो गई है, कुरुक्षेत्र की अफसरशाही ऐसी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी 90 खंभे लगे हुए हैं, जो सड़क जो चौड़ी की गई थी यहाँ पर पिपली रोड पर, ये सीधी तस्वीरें जो देख रहे हैं इस समय, ये 4 खंभे जो पाल प्लाजा के बिल्कुल सामने जो गिरे पड़े हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं गटर की स्पोर्ट, जी हाँ, सीवरेज की स्पोर्ट के कारण, जी सिर्फ सीवरेज की जो स्पोर्ट है ये। हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो साथ साथ शेयर जरूर करते हैं, ये कुरुक्षेत्र की जो अफसरशाही है उनके कानों पर जू नहीं रेंगती है, जी हाँ, बिल्कुल भी उनको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। शहर में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे PWD विभाग हो, चाहे पब्लिक हेल्थ विभाग हो, कोई भी विभाग हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिजली के खंभे किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल झुके हुए हैं। कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी बड़ा हादसा, उस तरफ कॉलोनी है बिल्कुल एकदम, लोगों के घर बने हुए हैं। ये पिपली रोड की, हम पहले ही लोग पिपली रोड से जो थर्ड गेट जा रही है, सड़क को लेकर सबसे बड़ी समस्या है, सड़क बनने का नाम नहीं ले रही है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है सड़क की, और ऊपर से ये खंभे यहाँ पर गिर चुके हैं। हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। ये विकास की लहर, जी हाँ, ये है विकास की लहर, आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र का जो विकास है, यहाँ कुरुक्षेत्र में कोई भी एंट्री अगर जो करे, यहाँ जड़ से बिल्कुल एकदम बिजली के खंभे, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल हिल चुके हैं। ये तो शुक्र है इस जो सीवरेज का, जो इनके सहारे ये यहाँ पर रुके हुए हैं, वरना किसी के ऊपर भी गिरकर हादसा हो सकता है, यहाँ किसी के ऊपर भी गिरकर हादसा हो सकता है। हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को, जी हाँ, देख रहे हैं, कुरुक्षेत्र का बहता हुआ विकास, जी हाँ, कुरुक्षेत्र का सड़कों पर बहता हुआ विकास आप देख सकते हैं यहाँ पर, कितना अच्छा विकास हो रहा है कुरुक्षेत्र का। एंट्री करते ही, जी हाँ, एंट्री करते ही, पिपली से एंट्री करते थोड़ी सी आगे आते ही 2.5-3 किलोमीटर पर ये कुरुक्षेत्र का विकास, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर।
चार चांद लग रहे हैं कुरुक्षेत्र के विकास को। हमारे तमाम दर्शक जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा। जी हाँ, कुरुक्षेत्र का बेहतर विकास, बढ़ता हुआ विकास, अच्छे दिन की कामना, अच्छे दिन आने वाले हैं। सबका साथ सबका विकास, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सबका साथ सबका विकास यहाँ पर देख रहे हैं, बिजली के खंभों के साथ। बने रहिए स्टिक बात सीधी बात न्यूज चैनल पर राहुल शर्मा के साथ, और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको। धन्यवाद।